अब क्रिकेट ना देखने की एक और वजह मिल गई है। अरे टीटू, अभी से सब घर पे हैं। हरा पानी। हाँ, लाता हूँ लाता हूँ। मामा, बेटा नीचे जा फटाफट, कैब वाला खड़ा है, उसकी डिक्की में मेरी बड़ी वाली अटैची है, वो लेके आ जा। और पैसे हाँ दे दूंगा, देने नहीं है लेने हैं। कैब वाले से पैसे लोगे? अरे मैं चला के लाया हूँ साला कछुआ। अरे जल्दी जल्दी तो ले आया पानी। अरे आपको नहीं कह रहा, कैब ड्राइवर की बात कर रहा हूँ। साला इतना धीरे चला रहा था, साइकिल वाला ओवरटेक कर गया तो मैं बोला मुझे चलाने दे। वैसे बिना बताए आ गए, कोई काम था, गलती हो गई, मेरे से ना निकलता हूँ। ओके बेटा। नहीं 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 नहीं, अरे मेरा वो मतलब नहीं था यार, मतलब पहले से बता के रखती तो थोड़ा बहुत इंतजाम करके रखते तुम्हारे लिए। पहले अपने सन्नास का जेट स्प्रे ठीक करवाओ, पिछली बार टिश्यू पेपर से घिस घिस के पिछवाड़ा स्क्रैच कार्ड जैसा हो गया, चूतर चिपकते वो अलग। आजकल टिश्यू पेपर भी जल्दी खत्म होने लगे हैं, ये बार बार जाता रहता है। अरे कविता परसों फोन पे बता रही थी कि तुम्हारे घर पे क्रीम खत्म हो गई है, तो अब आए हो तो जाते टाइम लेते जाना। हाँ हमारा सरसों के तेल से काम हो जाता है। कौन सा क्या काम? मैं बैग और पैसे लेके आता हूँ। और दीदी किधर है? पड़ोसी के घर गई है लाइटर लेने। क्यों बीड़ी पीने लगी? है नहीं नहीं गैस जलाने वाला लाइटर, लेकिन बीड़ी जैसी दिखती है आज भी। मैं बुला के लाता हूँ। नहीं नहीं आप मेरी बात नहीं समझ रहे। हेलो। हाँ बेटा सब ठीक, एक सेकंड एक सेकंड। और बेटा हेलो, डांट ठीक? नहीं, फ्री में नहीं। तू रख। बेटा एक बहुत जरूरी बात करनी है। जस्ट होल्ड इट वन सेकंड। सेलिब्रिटी होना भी कितना मुश्किल है मैच। हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू रिप्लाई टू ऑल 20 कमेंट्स? क्या चल रहा है इसका? कुछ नहीं, इसकी इंस्टाग्राम फोटो पे 25 कमेंट आ गए तो खुद को इन्फ्लुएंसर समझ रहा है। ऐसा क्या करता है? इंस्टाग्राम की रील्स पे होठ हिलाता है। लॉकडाउन की वजह से फब आ गए हैं फील में, जो टिकटॉक पे हकते थे अब आ गए हैं रील में। अरे मैं आपको फ्री में शाउट आउट नहीं दे सकता वैंचो, 800 फॉलोअर्स है मेरे। क्या मतलब है आधे से ज्यादा फेक है? स्क्वीज मी। अब मेरे मैनेजर से बात कीजिए। मैं तेरा मैनेजर हूँ? तेरे को मैंने पिछली डील के 80 रुपए नहीं दिलाए थे बैंच? क्या हुआ? फ्री शाउट आउट मांग रहा है। इधर ला। ए माका रहना। ये क्या किया? शाउट आउट। एक बहुत जरूरी बात करनी है बेटा, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तो फिर बता क्यों रहे हो? ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। तेरे घर में ग्लोरी होल तो नहीं है? चुप कर यार। क्या हुआ मामा? पुलिस मुझे ढूंढ रही है। तो फिर आप ही चले जाओ ना उनके पास। लुक्का छुपी नहीं खेल रहे हम लोग, पीछे पड़ी है मेरे पुलिस। क्यों? हाँ कविता। हाँ मैं वहाँ पहुँच गया, अभी पहुँचा, जस्ट पहुँचा। हाँ नहीं वो भांजी के साथ, उसके दोस्त भी हैं। आज 4 महीने में पहली दफा तुमसे दूर हूँ। बारिश हो रही है? हाँ तो अपना तौलिया निकाल के मुझे फोटो भेज दो। ओ हाँ, छत पे जाके अपना तौलिया निकाल के मुझे फोटो भेज दो, मैं उसी रंग का यहाँ से ले आऊंगा, ठीक है? ओके। मामा पुलिस क्यों ढूंढ रही है आपको? उन्हें लतिका के बारे में पता चल गया है। लतिका? लतिका हौतन का हक्कर बाबू भैया। कौन लतिका? बेटा लतिका और मैंने बहुत बुरे काम किए हैं साथ में। जैसे? मेरे साथ होती है हमेशा, उसको अपने साथ ही सुलाता हूँ। पर क्यों मामा? बेटा उसका नशा ही ऐसा है, जिसके साथ भी होती है वो राजा की जिंदगी जीता है। कितना टाइम हो गया? 2 साल से मेरे साथ है, उसको मेरी उंगलियां बहुत पसंद है। उंगली पकड़ के तूने करना सिखाया था ना। अरे यार एक सेकंड। मामी को पता है? अरे बताने वाला था, इतने में पुलिस पीछे पड़ गई। पर आप लोगों के मैटर में पुलिस कहाँ घुस गई? वही तो, जहाँ घुसना चाहिए वहाँ नहीं जाते, वैसे भी उनका काम आजकल सीबीआई वाले कर रहे हैं। इसलिए आप अचानक आ गए? अब कुछ दिन वो मेरे पास नहीं रह सकती। कोई ऐसा है तुम में से जो उसको अपने घर रख पाएगा? मैं मेरा घर खाली है। सोच ले। हाँ, लेकिन एक ही बैठे घर में। हाँ तो अपने बगल में सवा लियो। मामा जी मैं आपके पैर छूना ही भूल गया। पर मामा आप उनको वहीं कहीं छुपाने की कोई जगह ढूंढ लेते ना। है बेटा सब कुछ ट्राई किया, साम दाम लंड छेद, कुछ नहीं हो पाया। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, कर लेगा ना। एले ये ले। ये क्या? लतिका है? चल चल जल्दी रख, जीता जी देख लेंगे। मैं नहीं रख रहा है सब। सुन बे सूखी भेल, टीटू को दी हुई जुबान और छोटे बच्चे का स्तनपान पूरा करना जरूरी है क्या है? दीदी दीदी आ गई। रे तुझे मेरी राखी कैसी लगी? दुनिया का सबसे पवित्र धागा है दीदी, बोलो तुम्हें तोहफे में क्या चाहिए? मुझे फटाफट बुआ बना दे। ओके दीदी आज से तुम बुआ। अरे मतलब बाप बन जाओ, टाइम आ गया है। अभी इतनी जल्दी कैसे जीजा जी? जादू की छड़ी घुमाओ। छड़ी घुमाते थोड़ी आगे पीछे करते हैं। मतलब कविता और तेरे बीच में सब ठीक है ना? हाँ हाँ, जब से मेरा PhD हुआ है हम दोनों बहुत खुश हैं। PhD? अरे वाह वाह वाह, देखो देखो इस उम्र में भी पढ़ाई कर रहा है। PhD? प्रिटी ह्यूज डिक। क्या इतना लंबा सफर करके आया है, अब अपनी बहन के हाथ पे खाना खा ले। हाँ दीदी तुम्हारे खाने में घर जैसा स्वाद है। आपने घर कब खाया?
तेरी पसंद की सब्जी बनाऊंगी। और दीदी उसमें वो डालना, वो अपना क्या कहते हैं उसको, नमक, वो तो होता ही है बहुत ज्यादा। क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही है? नहीं नहीं, अरे जिसके साथ लवड़ा लगता है। लसन 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 लहसुन लहसुन लहसुन। उससे पहले भाभी जी पापड़ और एक एक कप चाय हो जाए। हैं, कौन कौन पिएगा? नो यस, एक कप। ये क्या? मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मामा का है। नहीं मेरा भी नहीं है, ये तो गुल्लू का है, जीजा जी गुल्लू। बंदूक? नहीं नहीं, लाइटर है जीजा जी, वो गुल्लू बहुत सिगरेट पीता है ना, परसों मेरे साथ था तो ये मेरे जेब में रह गया। तू तो नहीं पीता? दीदी मैं अपनों का साथ और धुआं बिल्कुल नहीं छोड़ता। दिखा जरा। हाँ। अरे ये सब छोड़ो दीदी, चाय पिलाओ जीजा जी मुझे। तो चूल्हे में आग कैसे लगेगी, हमारा लाइटर खराब है। हाँ तो अंकल के पास है ना। अरे इससे जलाती है ना, चलो चलो मजा आएगा। चलो रुको बाबा, पागल साले हट। जीजा अगर गोली चली तो तेरी नल्ली में बारूद भर दूंगा, दिवाली का अनार लगेगा। क्या लगेगा दीदी, रुको। काफी दिनों बाद इस घर में रौनक आई है, आज लगता है टीटू मामा की फामत आई है। किस बात का इंतजार है तुम्हें, 20 मिलियन करने में मौत आई है।